वर्तमान समय में मार्केट में ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिन्हें लोग शाकाहारी समझ रहे हैं, लेकिन दरअसल ऐसे प्रोडक्ट मांस मछली से बने हुए हैं। आज हम आपको ऐसे 5 प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें लोग शाकाहारी समझकर खाते हैं, लेकिन वे दरअसल नॉनवेज प्रोडक्ट के मिश्रण से बने हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इन प्रोडक्ट को शाकाहारी लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। आजकल सूप पीने का चलन बहुत प्रचलित हुआ है, इसे शाकाहारी लोग भी पी रहे हैं। जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूप शाकाहारी नहीं है, बल्कि इसमें नॉनवेज प्रोडक्ट का मिश्रण होता है। रेस्टोरेंट में और घरों में सूप बनाने के लिए जिन सॉसेस का यूज होता है वे मछली से पाए जाने वाले प्रोडक्ट से बनता है। तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का मिश्रण होता है जो कि वेज प्रोडक्ट नहीं है। कुछ तेल जिसके लेबल पर विटामिन डी लिखा होता है या कोई कंपनी विटामिन डी होने का दावा करती है, तो उसमें पाए जाने वाला लेनोलिन भेड़ के मांस से बनता है जो कि शाकाहारी नहीं है, इसलिए बाजार में बिकने वाला तेल मांसाहारी है। शुगर यानी सफेद शक्कर, शुगर में चमक एवं सफेदी लाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें नेचुरल कार्बन का प्रयोग किया जाता है। दरअसल नेचुरल कार्बन प्रक्रिया में जानवरों की हड्डियों का प्रयोग किया जाता है, तो शुगर कैसे शाकाहारी हो सकती है? बियर या वाइन पीने की आदत नौजवानों में तेजी से फैल रही है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बियर एवं वाइन का सेवन करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बियर एवं वाइन में फिश ब्लेडर डाला जाता है जो कि मछली से बना होता है। ये इसलिए मिलाया जाता है ताकि बदबू कम हो जाए और आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। सुबह सुबह हर किसी को, खासकर बच्चों को, जैम लगा के टोस्ट खाने का शौक होता है। अगर आपको भी जेली या जैम खाने का शौक है तो आपको जानना चाहिए कि इसमें जिलेटिन होता है, और जिलेटिन जानवरों में ही पाया जाने वाला एक प्रोडक्ट है, इसीलिए जैम भी किसी तरह से शाकाहारी प्रोडक्ट नहीं है।